पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया। योगी सरकार ने प्रदेश के 5 जिलों की एक एक सड़क को कल्याण सिंह के नाम पर करने का फैसला लिया है। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में एक एक सड़क कल्याण सिंह के नाम पर होगी। इसके साथ ही राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह के योगदान को देखते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह जो निर्णय लिया है, हम साधु संत धर्माचार्य जो है इसका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और माननीय श्री कल्याण सिंह जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि राम जन्मभूमि में जाने वाला जो मार्ग है वो माननीय श्री कल्याण सिंह जी के नाम पर होगा और साथ ही साथ में 5 जिलों में जो है तो सड़कें माननीय श्री कल्याण सिंह जी के नाम पर बनाई जाएंगी। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या से माननीय श्री कल्याण सिंह जी की राम भक्ति और देश प्रेम को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये डिमांड करता हूँ कि बाबर के नाम पर देश में जितनी भी सड़कें हैं बाबर का नाम हटा करके और कल्याण सिंह मार्ग किया जाए। पहले मैं डिप्टी सीएम को साधुवाद दूंगा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट हम लोग के बीच में नहीं रहे, इसके लिए हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अयोध्या के साधु संतों की तरफ से। विषय यह है कि डिप्टी सीएम को इसलिए मैं साधुवाद कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का जो मुख्य मार्ग होगा वो बाबूजी के नाम से होगा। उसके साथ साथ हमारी भी कुछ मांग है, अयोध्या के साधु संतों की भी मांग है कि अयोध्या में एक हिंदू हाउस करके ऐसा बने जिसमें 1000 लोग से ऊपर जो बाहर के जो हिंदू जनमानस आते हैं वो रुक सकें और उसमें एक उनकी भव्य प्रतिमा लगे, एक स्टेचू बने जिससे लगे कि हाँ ये हिंदू हृदय सम्राट थे, इन्होंने कुछ हिंदू जनमानस के लिए किया। आज राम जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य जो चल रहा है, जो जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने के लिए आए थे, वो तभी संभव हो पाया। संतों ने सरकार की इस घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया था, रामकाज करते हुए उन्होंने अपना पद त्याग किया, इसलिए सरकार की ये घोषणा सराहनीय है। परमहंस दास ने कहा कि ये जो निर्णय लिया गया है इसको सभी अयोध्या के संत स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में जो उनका योगदान को देखते हुए घोषणा एक सराहनीय कदम है। इसी के साथ हिंदू हाउस बनाकर भव्य प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। Thank you.